राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 7:30 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम बलरामपुर में हैं, ये शंकर ढाबा में आके खाना वाना खा के हम सो गए थे। और देखते हैं, पूरा खुला जगह यहाँ पर है और सूर्य भंग उदय ले लिए हैं, तो हम लोग निकलने का तैयारी यहाँ से आगे चलते हैं। तो फिर पार करेंगे, उसके बाद में आपको चांडी मिलेगा, तो चांडी मिलेगा और फोर लाइन पर आगे चल के नहाते धोवाते जगह देख के हम लोग। आज संडे है, आज गाड़ी तो लोड होगा नहीं, गाड़ी कल लोड होगा, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। बलरामपुर रेलवे फाटक क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, रेलवे लाइन है और हम लोग बलरामपुर जा रहे हैं। ब्रिज काम चालू है लेकिन अभी ब्रिज बना नहीं है, ब्रिज बन जाएगा तो बड़ा बढ़िया लंबा ब्रिज बन रहा है। चारों तरफ में मिट्टी डल रहा है, ब्रिज का पिलर भी ढलाई हो गया है, उसका पिन भी ढलाई हो रहा है और सामने भी जो खुदाई खोले हुए थे देख सकते हैं सामने। और हम लोग गाड़ी लेकर निकल चुके हैं, आगे बाजार पड़ेगा, बलरामपुर छूट गया अंदर अंदर, बाईपास निकल गए हम लोग। ये देखिए बिचाली, ये सब देखिए देहात में बिचाली बेचारे, ये सब बेचाता है, जानवर खाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और बंगाल है, अभी हम लोग बंगाले में हैं, झारखंड में नहीं पहुंचे हैं, झारखंड में पहुंचे हैं। चांदी हम पहुंच चुके हैं, चांदी के पहले टूर से देखिए नया बना हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि रोड के काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके वजह से पुल भी अभी नहीं चालू हुआ है। पुल लगा, जब चालू हो जाएगा बन जाएगा, पूरा रेलवे का ब्रिज बन रहा है, रोड भी कहीं कहीं रोड तो कम है, रोड बनिए गया है, रेलवे के ब्रिज में काम चालू है, वो तो बन जाने के बाद में पुल तैयार हो गया है, जैसे वो ब्रिज बनेगा वैसे पुल टेक्स चालू हो जाएगा यहाँ पे। तब तक से गाड़ी वाले भाई को बचत है, मोटर मालिक को ही बचत है, बनने के बाद फिर उनका राशि पैसा कटने लगेगा। कितना का लगेगा, 300-400 में आराम से ही लगेगा, 300-400 से कम तो लगेगा नहीं, होना चाहिए, बढ़िया है। रोड बन जाने के बाद में इस रोड में पहले गाड़ियां नहीं चलती थी नाइट में, यह रोड में मतलब सिंगल रोड था और रेलवे फाटक 3-4 बजे बंद हो जाता था तो प्रॉब्लम खड़ा होता था इस रोड में, इसलिए और जंगल टाइप में लगा हुआ टाइम लगे था, पूरा रेट गाड़ी चलती है इस रोड में, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। ये चांडिल हम पहुंच चुके हैं और रेलवे क्रॉसिंग बंद था फाटक, उसके वजह से ये देखिए पूरे चांडिल तक जाम लगा हुआ है, कितने जाम है कोई पता ही नहीं और कितने 100 गाड़ियाँ हैं लाइन में खड़ा। ये सामने देखिए आगे भी चांडिल पार करेंगे ना तो रेलवे फाटक 2 मिलेगा और वहाँ भी बहुत ज़्यादा 2 मिलेगा रेलवे क्रॉसिंग। जब तक बाईपास का उभर फराई का ब्रिज नहीं बन जाएगा रेलवे के, तब तक इतना ही जाम लगता है और पूरा गाड़ी उड़ीसा से टाटा से जो आने वाली गाड़ी है वो गाड़ी जो दुर्गापुर जाने वाली, बांकुड़ा जाने वाली, पुरुलिया जाने वाली, इधर आपको धनबाद जाने वाली का शॉर्टकट रास्ता है, इसके वजह से रोड में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं और जाम लगता है रेलवे फाटक में हो जाती है। तो हम लोग देखिए अभी टाउन आगे आएगा, बाजार आ जाएगा, देखिए मार्केट सामने में बाजार देखिए पार कर रहे हैं, भीड़ वाला इलाका है और अभी तक से बाईपास कंप्लीट बना नहीं है, ये तो पहले ही बना देना चाहिए इन लोग के, लेकिन काम चालू है, बन जाएगा, कुछ दिन और टाइम लगेगा, दो गाड़ी निकलने का जगह है और दोनों साइड में मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है, चांदी का बाजार है, बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत हम लोग चलते थे इधर से, शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, देखिए आगे वो रेलवे का ब्रिज मिलेगा हम लोग, रेलवे का लाइन वहाँ की देखिए पूरा है, क्या है लगता है पूरा है रेलवे लाइन, तो देख सकते सामने भगुआ भी पतंगा लहर
था उनसे मिल के अपने को, और हमको बोले भाई यार रजत जी का ब्लॉग देखते हैं, आपका भी देखते हैं बाबा, हमको बाबा बोल दिए वो। चलिए अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा खुशी हुआ। देखिए ये भीड़ लगा हुआ है, ये मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी है, क्या बोला जाएगा। देखिए कितना कंजेस्टेड से निकल रहा है, देखिए गाड़ी कितना जगह इतना है ना टाइट, गाड़ी निकलने में दिक्कत होता है। अरे धीरे 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 पड़ेगा, अगला कर रेलो पर बात। बजने चला है और आज हम लोग बकत लिए हैं, बकत आज बना रहे हैं। बकत का मीट बहुत टॉप का बनता है, बहुत बेहतरीन बनता है। ये वो बकत लिए हैं, उसमें 1 किलो निकला, ये जीरा डाल रहे हैं, और ये देखिए ये अजवाइन डाल रहे हैं, क्योंकि डालने से बकत का मीट में डालना चाहिए। ये चेत पत्ता डाल दिए, तेज पत्ता। इधर अपना प्याज कट के रेडी, प्याज कट कर रेडी हो चुका है, 4 प्याज 2 लहसुन पोट, और मिर्चा कितना पापा? मिर्चा है 7-8। अबे डाल रहे प्याज मरचाई और लहसुन, हम एक में मिला के डालते हैं सब। दोनों साथ में सब पक जाता है, और ज्यादा भी है अंतर हम लोग का टाटा टेलको के पास में। नो एंट्री खुलेगा 11 बजे, नो एंट्री खुल जाएगा, अभी रहता है 3 बजे तक, 4 बजे तक साइड, इसलिए कि वहाँ पे थोड़ा लाइसेंस का मेरा ब्लैकलिस्ट किया गया है ना, उसको चालू करवाना है, लेटर पे लिखा गया है, देखते हैं चालू करते हैं लोग क्या करते हैं, अब उन लोग ऊपर है। हम लोग बेसहारा इंसान होते हैं ना, हम लोग का कोई सहारा नहीं है, कोई भी आदमी हम लोग को ऊपर में सुसर कर देता है। ये देखिए हम धो रहे हैं, देखिए मीट कैसा फ्रेश है, बकत का है, तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसको साफ कर दे रहे हैं, धुलाई कर दे रहे हैं, प्याज भी बुझा रहा है मेरा। ये देखिए प्याज हमारा बुझा चुका है, प्याज मरचाई लहसुन, अब इसमें देखिए डाल रहे हैं, इसको डाल दिए, दाल को चला दे रहे हैं, ऊपर में बड़ी अच्छा लगता है। देखिए बहुत बेहतरीन बनेगा, अच्छा बनेगा, देखिए भूज देते हैं, उसका मसाला वसाला डालेंगे थोड़ा देर में। ये टमाटर दो ठो, इसमें एक छोटा एक बड़ा सा टमाटर डाल दिए हैं, साथ में गल जाएगा भुजाते भुजाते। जो चला रहे हैं देखिए मिला देते हैं, ये जीरा और काली मिर्च, ये लाल मिर्चाई का पाउडर, ये सोंठ है जो अदरक सूख जाता है, ये गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है, और ये देखिए हल्दी है। 1 2 3 4 5 6 आइटम हम डालते हैं, और ये सब घर का मसाला पिसा हुआ है, बहुत बेहतरीन बनेगा, अच्छा बनेगा, इतना आइटम हम डाल के बनाते हैं। मसाला सब डालने जा रहे हैं, मसाला डाल के भूजेंगे हम इसको, अच्छा से भूज देते हैं, उसमें फिर पानी डाल के मसाला मिल जाएगा,
देखिए कलर कैसा होगा, बहुत ही बेहतरीन कलर हो जाएगा। हम चल दिए दोस्तों, टाटा है बाईपास मारा हुआ है, अंदर जब से घुसेगा हम घुस गए हैं, आगे चलते हैं। 1 बजे लोड ट्रिप होता है, लग जाता है और ये हमको नहीं पता था 1 बजे भीतर उठे लगता है। हम सोचे कि 3 बजे तक 4 बजे तक सही रहता है, अभी इसलिए थोड़ा सा जा रहे हैं स्पीड में। पहुँचा है तेलको गेट में, लेटर देना है अपना वहाँ पे। साक्षी नदी हम लोग पार कर रहे हैं दोस्तों, टाटा के लिए अब हम लोग को जाना है बाएं, इधर से बाएं मुड़ने वाले हैं अभी हम लोग। अभी नो एंट्री खुला हुआ है, देखिए बाएं घूमेंगे हम लोग, देखिए बाएं घूम रहे हैं और आगे जाके रुकते उधर गोल चक्कर रुकते हैं। बगल में नदी है रोड का, बड़ा बड़ा मछली मिलता है, सब मछली मिलता है। इस बरारी 8 किलो को मिला था, बनाया था। टाटा नगर जमशेदपुर का बस स्टैंड है दोस्तों, देख सकते हैं साक्षी का, देखिए कितना बस लगा हुआ है, यहाँ से चारों तरफ का बस खुलता है जाता है, देखिए पूरा लाइन से बस लगा हुआ है। इधर बगल में नदी है, इधर टोटो ये सब पूरा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए बहुत ही ट्रैफिक वाला इलाका है, देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, लाइन से पूरा बस लगा हुआ है, लाइन से। निकल रहा है हमारा, देखिए बन के रेडी हो गया है, आगे हम लोग टेलको गेट के पास में निकाल रहे हैं। ये कितना ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। इसमें तेल बड़ी छोड़ दिया ना पापा, तेल बहुत छोड़ा है। ऑयल खा रहे हैं दोस्तों, निकल गए हम लोग का। बहुत अच्छा वाला हम लोग टाटा टेलको आ चुके हैं, ये देखिए रोड पर खड़े, ये कॉमर्स गेट है और आगे में पड़ेगा आपको पेंटिंग गेट और सीआरसी गेट, ऊपर में हमारा गाड़ी खड़ी है देखिए बगल में सामने, और ये हमारी कंपनी गाड़ी खड़ी है, ब्रेक ड्राइव लेके आई है गाड़ी हमारी। तो देखिए शाम का 6:15 बज चुका है और हम लोग कल गाड़ी घुसाते हैं, देखिए क्या होता है मेरा यहाँ पे। तो अभी जाते हैं थोड़ा सा
समझ लेते हैं वहाँ कैंटीन गेट में, कागज देते हैं, वो लोग कुछ बताते हैं, क्या उपाय बताते हैं, क्या करना पड़ेगा, तो उसे सलाह ले लेते हैं। जो सर लोग हो गए अंदर गेट में बैठे होंगे, कुछ बताएंगे अपने उपाय का है कि हम तो पहली बार यहाँ बहुत दिन के बाद वहाँ पर आए थे, हम तो चलते नहीं थे, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं जाके उन लोग से। टाइम भी हो गया, अंधेरा हो गया, दिन में बड़ा धूप था यहाँ पे, सामने सुना कर रोशनी, हम लोग भी खाना पीना खा कर सो गए, आराम किया बड़ा बढ़िया। देखिए सेविंग भी कर लिए हम, और एक हमारे मतलब सब्सक्राइबर भाई आए और बड़े भाई हमसे मिले, देखे गोविंदपुर में रहते हैं, गोविंदपुर में रहते हैं जहाँ माल खाली किए थे, के पास फाटक के पास उनका घर है, तो उन्होंने मिले, बड़ा मिल के खुशी हुआ आप लोग, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत इतना तो प्यार हमें मिल रहा है, तो चलिए अब जाते हैं हम, देखते हैं वहाँ कागज लेके क्या बोलते हैं सर लोग। रात को 9:30 बज चुका है और हम लोग का खाना निकल गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से खाना खाए थे, तो धूप आ रहा सामने, हम लोग लेट गए थे, यहाँ दिन में थोड़ा गर्मी लगा, बस कहती हम लोग नहाए नहीं, तो उठे तो संडे था, तो नहाने का जगह ही कहाँ है। हाँ शौचालय है, लेकिन वो भी मतलब वहाँ ठंडा पूरा झाड़ है ना, पेड़ तो ठंडा जो महसूस है, तो इसीलिए तो हम लोग देखिए रोटी भी पक गया, चावल भी उधर बचा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, तो रोटी भी है, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। अब खाना वाना खा के मेन बात देखिए टेलको आज बंद है कंपनी, तो संडे है ना, तो वीरान लग रहा है पूरा, लगता है ना कुछ है ही नहीं है, गाड़ी भी नहीं चल रहा है, एका दुगा मोटरसाइकिल वोसाइकिल फोर व्हीलर कभी कल आती है, नहीं तो पूरा गेट लॉक है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो देखिए जहाँ पे गाड़ी घोड़ा आना जाना करता है, बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी, वहीं अच्छा भी लगता है, पब्लिक का भी काम, ड्यूटी वाले भी नहीं आए हुए हैं, पूरे पार्किंग खाली है दोनों साइड में, कॉमन्स गेट भी खाली है, वहाँ सीआरसी गेट के पास भी पूरे खाली है, आदमी ना ढूक रहे ना निकल रहे, कोई ज्यादा आदमी नहीं है। तो हम लोग खाना वाना करते हैं, भोजन हम लोग खाते हैं, तो जय माँ। खा के आराम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऐसे भी हम लोग चले आए तो दिने में, लेकिन जो बोलिए मीट टेस्टी बना था क्या। अभी तक कुकर में है ही है, चावल के साथ खाएंगे उसको। रात्रि का 10:30 बज चुका है और हम लोग का भोजन हो गया, खाना पीना खा के रेडी हम लोग हो गए, और अब सोया जाएगा, क्या किया जाएगा, ठंडा का मौसम भी है, तो देखिए अब हमारा कागज पत्र कल देते हैं वहाँ पे क्या होता है, चलिए रहे बातचीत। और यहाँ लाइट भी लगा हुआ है पूरा चारों तरफ, उजाला टाइप में बढ़िया है, बगल में कम से कम 50 फीट खाड़ी है, बगल में खाड़ी है, हाँ नीचे में मकान बना हुआ है, ऊपर में हम लोग है, कॉलोनी है टाटा का, टाटा कंपनी का कॉलोनी है यहाँ पे, तो बढ़िया है। तो हम लोग अब आराम करते हैं, तो आज का ब्लॉग हम लोग समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।